स्टॉक मार्केट में शुक्रवार को काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। सुबह में बाजार अच्छी मजबूती के साथ खुले, लेकिन दोपहर में हुई बिकवाली से मार्केट ने न सिर्फ अपनी बढ़त गवा दी बल्कि ये काफी गिरकर बंद हुआ। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 460 अंक लुढ़क कर 57,060 अंक पर बंद हुआ। बाजार पर सेलिंग प्रेशर ज्यादा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि निफ्टी के सभी सेक्टर के इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। एक्सपर्ट इस गिरावट की वजह LIC के IPO को बता रहे हैं। LIC का IPO 4 मई को खुल रहा है। 3 मई को ईद के मौके पर स्टॉक मार्केट में छुट्टी है। शुक्रवार इस हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है। शनिवार और रविवार को मार्केट बंद रहेंगे। इसका मतलब है कि अगले हफ्ते LIC का IPO खुलने से पहले मार्केट सिर्फ एक दिन खुलेंगे। मार्केट में अब भी ज्यादातर शेयरों में T+2 सेटलमेंट की व्यवस्था लागू है, इसलिए शेयर बेचने के 2 वर्किंग दिन के बाद ही पैसा अकाउंट में आएगा। इसका मतलब है कि शुक्रवार को शेयर बेचने पर 4 तारीख तक इन्वेस्टर्स के अकाउंट में पैसे आएंगे। 4 मई को ही LIC का IPO खुल रहा है, इसी वजह से इन्वेस्टर्स ने शुक्रवार को मुनाफा वसूली की। LIC का इशू इंडिया का सबसे बड़ा IPO है। इन्वेस्टर इसमें निवेश के लिए पैसे का इंतजाम करना चाहते हैं। वे अपने पोर्टफोलियो में कुछ शेयरों को बेचकर पैसा LIC के IPO में लगाना चाहते हैं। चूंकि IPO के लिए LIC की वैल्यूएशन 6 लाख करोड़ रुपए लगाई गई है, जिससे इन्वेस्टर्स को इस IPO में लिस्टिंग गेन्स हो सकती है। LIC IPO में निवेश की चाहत सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स की ही नहीं है, दुनिया की दिग्गज कंपनियां और इन्वेस्टर्स इसमें पैसा लगाना चाहते हैं। इनमें नॉर्वे, सिंगापुर और अबू धाबी के सॉवरेन वेल्थ फंड्स शामिल हैं। ये एंकर इन्वेस्टर्स होंगे। एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ये इशू 2 मई को खुलने की उम्मीद है। शुक्रवार को इंडियन मार्केट में आई गिरावट की वजह इसलिए भी LIC के IPO को माना जा रहा है, क्योंकि आज कुछ एशियाई और यूरोपियाई बाजारों में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स की कंपनियों में एक्सिस बैंक, पावर ग्रिड, विप्रो, SBI, मारुति, टाइटन और NTPC में गिरावट आई। एक्सिस बैंक का शेयर सबसे ज्यादा 6.57% गिरा। मार्केट की इनसाइट खबरों के लिए देखते रहिए मनी कंट्रोल हिंदी।